Hi guys, today is day 2 of our liquid dieting or my course. और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये वायरस ख़त्म नहीं हो रहा और से वायरस बारिश. दोस्तों आज सुबह के 9 बज रहे हैं, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया. मैं वैसे उठता नहीं होती जल्दी, लेकिन आज मेरी क्लास है ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए मैं जल्दी उठ गया. है तो वो 1:30 बजे, बट जल्दी उठना पड़ता है. तो अब उठ गया हूँ. अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है. सुबह के 9 बज रहे हैं, शायद 10 बज रहे हैं. अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत स्टार्विंग हो रही है इस टाइम. बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है. बट ये सब मुझे फेस करना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कोर्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई डाइट. इफ़ यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर कि आपका वजन घट रहा है, यू आर रिड्यूसिंग योर फैट. खाने का क्या है यार, बाद में भी खा लोगे यार. अब थोड़ा टाइम कंट्रोल कर लोगे तो कुछ नहीं होगा. इट्स ऑल अबाउट जस्ट 10 to 20 days, जस्ट इट. बस 20 दिन की बात है यार. कंट्रोल कर लो, कुछ ना कुछ खा लो, वो कंट्रोल कर लो. थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा पेन होगा, कंट्रोल कर लो. लेकिन 20 दिन बाद जो तुमको रिजल्ट मिलेंगे, जो तुमको अप्रिसिएशन मिलेगी, वो अलग लेवल की होगी. और जो मैं इसी चीज़ की भी गारंटी देता हूँ, तुमने एक बार कम कर लिया वेट, तुम्हारा वेट वापस नहीं बढ़ेगा. क्योंकि तुम्हारे अंदर से ये होगा यार, इतनी मेहनत की है मैंने, तो मैं वेट नहीं बढ़ने दूंगा, बढ़ेगा नहीं, मेरी गारंटी है. लोग मुझसे पूछते हैं यार भूख लग रही है क्या खाएं, अब कमज़ोरी आ जाएगी आपके डाइट से, यार मुझसे नहीं हो पाएगा. तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. और अगर आप तुम कंट्रोल कर लोगे तो आगे जाके तुम खाओ ना यार, कौन रोक रहा है. 20 दिन बस कंट्रोल कर लो, 20 दिन बस. जिंदगी बड़ी खाने के लिए यार. हाँ यार, और लेकिन जब एक वजन कम हो जाएगा तो खाना दबा के यार कौन मना कर रहा है. बस अभी अगर वजन कम कर लोगे तो किसका फायदा है, मेरा फायदा है नहीं ना, आपका है. तो अगर 20 दिन कंट्रोल कर लोगे और अगर तुमने वेट कंट्रोल कर लिया और कुछ नहीं खाया, तो इसका फायदा किसका है आपका. एट द एंड अप्रिसिएशन किसको मिलेगी आपको, एट द एंड तुम रिलैक्सेशन किसको मिलेगी आपको. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, थोड़ी कमजोरी सहनी पड़ेगी. बस इट्स ओके, इट्स ओके. जो तुमको मिलने वाला है ना, वो कुछ भी नहीं है इस भूख के कंट्रोल के आगे, कुछ भी नहीं है. मतलब बहुत बड़ी चीज़ है वो. अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो डजंट मैटर, बहुत बड़ी चीज़ है वो जो तुमको मिलने वाली है. और ये जब कंट्रोल कर लो ना भूख, वो बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने. तो वो चीज़ को समझो यार. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार मुझसे नहीं होगा यार, तेरी डाइट बड़ी बकवास है यार. फिर छोड़ दो, मत करो कि यार मेरी डाइट के हिसाब से डू और डाई, या तो कर जाओ तो मर जाओ. बहुत लोग कहते हैं यार ये खाओ डाइट में. मेरा वो हिसाब नहीं है. मेरा हिसाब है खाओ, लिमिटेड खाओ और एक्सरसाइज करो दवा के. अब इसके बाद में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा, अपने पेट की एक्सरसाइज करूँगा और साइड्स की एक्सरसाइज करूँगा. जो मैंने आपको बताया था कि मेरा पेट और साइड बढ़ गया है, उसको कम करूँगा. और उसके लिए मैं पेट की और उसकी एक्सरसाइज करूँगा अभी थोड़ी देर में, और वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी. और इंटेंस एक्सरसाइज होगी, 1000 रेपिटेशन मारूँगा मैं. 1000 रेपिटेशन है, एक एक्सरसाइज के 250 रेपिटेशन, एक के 250. आपको देखो, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो फिर अपने हिसाब से कोई एक्सरसाइज करो जैसे आपको ठीक लगे. जी देखो, तुमने खा खा के इतना वेट बढ़ा लिया, बहुत खाया होगा तभी तो इतना वेट है यार. तो इजी नहीं होगा तुम्हारे लिए भूख को कंट्रोल करना और किसी चीज़ों को कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए आपको एक पूछ चाहिए. पूछ इन द सेंस, देखो मेरे को तो मिला था, बहुत तगड़ा पूछ मिला था, इसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, वो मैं आपको बता नहीं सकता अभी. बट आप अपनी लाइफ को कुछ ऐसा देखो, ऐसा फील करो कि यार जिसे तुम्हारे अंदर आग लग जाए इसे करने की. जैसे कोई ब्रेकअप हो गया हो किसी का, तो तुम्हें कुछ दिखाना हो किसी को, किसी ने बेइज्जती कर दी हो तुम्हारी, किसी ने कुछ कर दिया हो. जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं मार्केट में चल रहा था और एक बंदा आया, उसने मुझे बोला, बाइक से गया ओ मोटे, और मैं उस टाइम कुछ नहीं करता, तो बाइक से आया था वो, तो बोल के चला गया. तो उस टाइम तो मैं कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन मेरे दो दोस्त आ रहे थे पीछे, बहुत बुरी तरह मार गए. और वो हंसे तो सब हंसने लगे, जितने भी बंदे खड़े हुए थे सब हंसने लगे. उनको बड़ा मतलब कहते ना, मैं घर आके रोया था कि यार अपने दोस्त सगे नहीं है यार इस दुनिया में, कौन सगा होगा तुम्हारा, कोई नहीं होता यार, कोई भी नहीं होता.
एट द एंड तुम ही हो अपने लिए और कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप और तुम बस, और कोई सगा नहीं तुम्हें उधर, तुम्हारे सच्चे दोस्त भी नहीं। मेरे दोस्त मुझ पर पूरे मार्केट में टिकर हंसे थे, मैं वो दिन भी भूल सकता आज तक नहीं भूल सकता। घर पर आकर रोया था तो मैंने उस दिन कसम खा ली थी यार, मैं कुत्तों को दिखा यार क्या होता है। और आज देखिए, आज देखो जी, आज पछताते हैं वो लोग, पछताते हैं इन द सेंस मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, इतना ही है। तो वो रीज़न ढूंढो कि यार मुझे वेट कम करना है, इसके लिए कम करना है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मुझे मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, वो एक रीज़न ढूंढो, बस एक रीज़न काफ़ी है कि यार इसको उसकी औकात दिखानी है, बस एक रीज़न तुम्हें मिल गया ना, एक रीज़न तो भूख क्या है, कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो तुम, बस एक रीज़न चाहिए, सेल्फ अप्लाइड है, बात मानो। सो गाइस कभी कर ऐसा होता है ना, जैसे कि यार मेरे को कंट्रोल करना है, ठीक है, मेरे को भूख लग रही बहुत ज़्यादा, कंट्रोल करना है, तो कुछ कोइंसिडेंटली ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं करने देते। जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि यार मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मम्मी ने घर कुछ अच्छी सब्ज़ी बना दी, अच्छा खाना बना दिया, बिरयानी बना दी, तो मेरे को ऐसा लगता है खा लेता हूँ ना यार, लेकिन मैंने आज तक वो नहीं किया है। बहुत बार होता है यार कि सामने चीज़ें पड़ी हुई है, मन करता है खा लो, तुम डाइटिंग में चल रहे हो खा लो, लेकिन जब तुम डाइटिंग में नहीं होते वो चीज़ें सामने नहीं होती तुम्हारे ना, मम्मी कुछ बनाती है अगर तुम डाइटिंग में नहीं होते हो, कुछ खास नहीं बनाती, तो यही चीज़ है, ये होता है, ऐसा सबके साथ होता है। तो ये चीज़ आपको देखना है, कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो इट्स अ चैलेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कम इन टू एन चैलेंज ऑफ अ वेट रिडक्शन, इट इज़ नॉट ईजी, ओके, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान होता तो हर गली नुक्कड़ में नो पतले आदमी मिल जाते तुमको, कोई मोटा नहीं होता इन द सेंस, दुनिया में कोई मोटा ही नहीं होता भैया, अगर इतना आसान होता तो। इट्स लाइक अचीविंग अ गोल, बहुत बड़ी बात है जी, है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जो रिस्पेक्ट मिलने वाली है ना वो अलग लेवल की है, तो कंट्रोल कर लो, सही बता रहा हूँ तुम्हें। और बाहर मत निकला करो, क्योंकि वायरस चल रहा है तुम सबको पता है, बस घर में ही रहो और जो मैं कर रहा हूँ वो करते रहो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं है तो मत करो, तुम्हारे लिए नहीं बनाई सब चीज़ें तो मत करो, जिनको लगता है कि बनी है तो कर लो। जी मैं ये तरीका है जैसे कि मैंने किया है, मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई सबने बोला भाई बता दे तो शेयर कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है नहीं करना है, अभी करना है बाद में करना है, अभी कर लोगे सही रहेगा क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि ये चीज़ ऐसी तो जिसे करने के तुम्हें बहुत टाइम चाहिए। यू कांट गो टू कॉलेज, यू कांट गो टू स्कूल, नहीं जा सकते, कंट्रोल नहीं होगा वहाँ पर, बहुत मुश्किल है, तो रीजन गैप मिला है तो कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होता है, और थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कमजोरी आती है, बट यू हैव टू मैनेज, जैसे मैंने बताया आपको मैनेज करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ता है, ठीक है, तो यू हैव टू टेक ऑल दिस शिट। अगर तुमको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है तो कुछ खा ले करो, एक केला से तुम्हें बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत कैलोरीज बढ़ती है, लेकिन तो तुम्हें लंबे टाइम के एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत लंबे टाइम के लिए। जैसे मैं दोपहर को केला खा लेता हूँ तो मैं रात तक मुझे भूख ज़्यादा भूख नहीं लगती, थोड़ी बहुत लगती है, रात के बाद सुबह तक बहुत लगती है, लेकिन वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो केला खा ले करो, बार बार केला खा ले करो, इससे तुम्हारा ही फायदा है, एनर्जी बची रहेगी। और अगर तुमको लग रहा है यार नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो यू कैन टेक सम मेजर्स, तुम खा सकते हो, बट अगर तुमको लग रहा है यार ठीक है नहीं हो रहा, ठीक है मतलब कर लूँगा तो करो, इट्स ऑल अबाउट योर स्टेमिना, क्योंकि क्या बिगा और क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी है, तुम पता नहीं है तुम्हें कि हमारी बॉडी क्या क्या कर सकती है, हमारी बॉडी इतना कुछ कर सकती है ना कि तुमको कोई अंदाज़ा ही नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं तुमको, हमारी बॉडी इतना लेवल का पेन झेल सकती है, इतना लेवल का पेन वो इनहेल कर सकती है, तुमको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और जो तुम्हारे अंदर फैट होता है ना, देखो मैं बताता हूँ मैं तुमको, जो हमारी बॉडी में फैट होता है, हम मोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, हम डाइटिंग करते हैं तो हम कुछ नहीं खाते, तो हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो फैट नहीं होता, वो एक एनर्जी का स्टोरेज होता है, एनर्जी एक स्टोरेज के रूप में बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है, फैट स्टोरेज के रूप में बॉडी के अंदर रहती है, ताकि जब कोई क्राइसिस आए या इमरजेंसी आए तो बॉडी उसको यूज़ कर सके। देखते हो कि उनको खाने को नहीं मिलता, वो पतले हो जाते हैं, वो
तो उनके अंदर सारा फैट गायब हो जाता है। डाइटिंग पर ये होता है कि यार जितना भी तुम्हारा फैट है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट होके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होके तुम्हारी बॉडी उसको यूज़ करती है। तो डाइटिंग में ऐसा होता है, तो तुमको देखना है कि यार तुम्हारे अंदर कितना फैट है। तुम्हारा ज़्यादा फैट है तुम्हारे अंदर उतना ही अच्छा है, बॉडी को ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगी। अगर तुम्हारे अंदर फैट है तुमको लो फील करेगा बट इट्स ओके, तुम्हारा मूड भी ऑफ होगा बट इट्स ओके। तो गाइस अभी 11 बज रहे हैं और हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे पेट के लिए, सुनने को बताया था। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था आपको, आपको पानी पीना है दबा के, जितना पानी हो सके उतना पानी पीना है, वो बॉडी को अच्छा करेगा, मतलब सही रहेगा। लिक्विड डाइटिंग मतलब पानी 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 पानी, जितना पानी हो सकता है उतना पानी पियो, पीते रहो। हेलो गाइस, दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस टाइम कुछ खाने का टाइम है, तो वो मैं थोड़ी देर सो गया था बीच में, मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। एक्सरसाइज मैं थोड़ा शाम को करूँगा, शाम को एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, 2 बज रहे हैं। सो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है मैं सो जाता हूँ, आप भी वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी 2 बज रहे हैं तो कुछ खाने का टाइम है, तो इस टाइम हम ले रहे हैं एक केला और एक कीवी, दो फल आज अब मैं खाऊंगा। बहुत एनर्जी चाहिए मेरे को, बहुत टाइम चाहिए वर्कआउट करने में शाम को, तो ये दो फल मैं आज खाऊंगा। केला मैं इसलिए खाऊंगा क्योंकि केले में फैट होता है लेकिन एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी अगर आपने एक टाइम केला खा लिया, इस टाइम केला खा लिया, तो वो जो एनर्जी जो फैट होता है केले के अंदर वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में। जब आप कुछ ना खाएं तो अगर आप दबा के खा रहे हैं फिर केला खा रहे हैं तो केले में फैट होता है तो वो हार्मफुल है, बट अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो केवल मेरे वाली डाइटिंग जो मैं करता हूँ तो केले खाता हूँ मैं। और कीवी में सिर्फ कीवी में विटामिन सी होता है क्योंकि 154% विटामिन सी होता है कीवी में, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी सही है। तो ये दोनों चीज़ मैं अभी खाऊंगा और उसके बाद फिर शाम को मिलते हैं। चलो जल्दी, ओ बाल पके हाथ रख रहे हैं। बोल लो चलो रात के 8 बज रहे हैं, रात हो चुकी है। मैंने अभी अभी इंटेंस वर्कआउट करके आया हूँ मैं, क्रंचेस लेग रेस और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस बाइसेप के प्रस्पेक्टिव से, और आज का एक्सरसाइज मेरा इतना ही था। और अभी मेरा डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में खाने वाला हूँ एक कीवी और एक और केला, सेम जो है मैंने दोपहर को खाया था अभी मैं खाऊँगा। मैं बारह बोलता हूँ कि एक कीवी खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है और केले से आपको एनर्जी मिलती है जो आपको सस्टेन करने के लिए वो करेगी। देखो मैं एनर्जी अभी बहुत डाउन है इस टाइम, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, कैसे ना कैसे करके मैं कर पा रहा हूँ। आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वेट कितना है। मेरा वेट अभी 91 हो चुका है, कल मैंने नापा था तो 94 या 95 आया था, अभी 91 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन ये डाइट करने से मेरा 2-3 किलो वजन घटा है,
और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और कल भी देख लेना, मैं आपको दिखाता रहूँगा, रोज दिखाऊंगा कि मेरा वजन कितना घट रहा है। और मेरा टारगेट है कि मेरा 84-83 का एहसास करूँ। हालांकि उसमें मेरा मसल लॉस भी हो रहा है, तो उसमें भी घट रहा है वजन, मेरा मसल लॉस भी हुआ है। बट कहते हैं ना, बस पानी यूज़ खोना पड़ता है। और मैं साइड से अपना वेट कम करना है, तो बाइसेप का साइज थोड़ा कम भी हो जाएगा, तो रिकवर कर लेंगे बाद में 3 महीने, बहुत टाइम होगा। लेकिन अभी तो ये क्राइसिस चल रही है, तो एक मौका मिला है मेरे को अपना साइड फैट और बेली फैट कम करने का, एक्सरसाइज करके और डाइट करके मैं कर सकता हूँ, मेरा पूरा भरोसा है। हेलो गाइस, तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरा वेट 95 था कल, 94 के आसपास, आज मैं 91 या 92 कर लिया है, यानी कि 2-3 किलो मैंने कम कर लिया अपनी डाइट से, अपने एक्सरसाइज से, तो ये पॉजिटिव है। अब कुछ लोग बोलेंगे तेरे तो कल 98-99 था। नहीं, मेरा 95 था, मैंने चेक नहीं किया था, मैंने ऐसी एक अंदाज़ा लगा था कि 99 हो गया होगा शायद, पता नहीं, लेकिन आज मैंने चेक किया अपना वेट 92 था मेरा, तो मेरा वेट कल 95 रहा होगा, मैं 2-3 किलो वेट गया है। तो एक दोस्त ने मेरे को बताया, तो मुझे पता चला, तो ये चीज़ है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये, कि ऐसा है, आप लोग मुझे बाद में गाली ना दो। तो दोस्तों, जो अभी आपको, अगर जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपको एक रोटी खानी तो खा सकते हो, फल फ्रूट खाने तो खा सकते हो रात के टाइम, ज़्यादा नहीं खाना है, क्वांटिटी कम होनी चाहिए उसकी, और एक्सरसाइज करनी रात के टाइम, और यू हैव टू डू लिक्विड डाइटिंग एंड फास्ट, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। कल भी मैंने बोला था पानी पिए तबा के, और बस आज के लिए इतना ही, और अगला व्लॉग मैं कल डालूंगा, व्लॉग 3, व्लॉग 2 यहीं ख़त्म होता है। गुड नाइट।